श्री राम समर्थ जुलाई 6। सद्गुरु हमारे लिए आधार हो, प्रसंगानुसार व्यवहार करना उचित है और उसके कारण अपने मन पर असर न होने दे। परमात्मा के चिंतन में हमारा मन जब लीन हो जाता है तब अन्यान्य बातों का मन पर परिणाम नहीं होता। जितना बन सके उतना ही करे, अध्ययन किया जाए लेकिन चिंता न करते हुए, भगवान के सिर पर पूरा भार डालकर हम शांत रहे, अपना स्वास्थ्य न बिगाड़ते हुए प्रसन्न रहे। वृत्ति का संयम करना मुश्किल होता है, उसे परमात्मा की ओर मोड़ने से उस पर नियंत्रण आता है। यह ध्यान में रखा जाए कि संसार का सारा व्यवहार परमात्मा की इच्छा से ही होता है। संकट और आनंद दोनों भगवान को निवेदन करे। जिस स्थिति में हमें भगवान रखता है उस स्थिति में हमें संतोष मानना चाहिए। अंतःकरण में भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वह अभिव्यक्त होने या जागृत होने के लिए कोई कारण लगता है। तीर्थ यात्रा और साधु संतों से मिलना यही वह कारण है। श्री रामचंद्र भी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे और अनेक संतों का दर्शन उन्होंने किया था। संतों का अहंकार जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि परोपकार करने के लिए पर ही नहीं बचा है तो दूसरे के लिए मैंने कुछ किया यह भावना नहीं रहेगी, क्योंकि पर का आधार ही नहीं रहा। विषय की लालच से सत्समागम करना सच्चा सत्समागम नहीं है। कभी कभी संत हमें विषय देते हैं, यह बात सत्य है, लेकिन कुल मिलाकर हमारे मन में विषय की घृणा हो ऐसा उनका प्रयत्न होता है। संतों के घर में यूं ही लेते रहे तो भी शुद्ध भाव पैदा होगा। भगवान के नामस्मरण में ही संत संगति है, क्योंकि नाम के साथ भगवान का अस्तित्व है। विषय की प्रबल इच्छा होने का अर्थ है माया का स्मरण होना, और नाम का स्मरण होना यानी भगवान का स्मरण होना। तपश्चर्या का अंतिम लाभ यदि कुछ हो तो परमेश्वर के प्रति अनन्य भाव से शरण जाने की बुद्धि होना है। ऐसी बुद्धि हमें होनी चाहिए। जब हम शरण में जाते हैं तब हम बचते ही नहीं, यानी पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। इसी को शरणागति कहते हैं और परमार्थ में यही सबसे उत्तम गति है। हम अपने सद्गुरु के हैं ऐसा निडर होकर कहते रहो। कुछ कार्य नहीं भी किया तो कुछ बिगड़ता नहीं, किंतु अपने सद्गुरु आगे पीछे हैं ऐसी भावना दृढ़ हो। मुझे सुख दुख दोनों नहीं है, किंतु तुम जब दुखी होते हो तो मुझे दुख होता है, इसलिए तुम ऐसा बर्ताव करो कि जिससे तुम्हें दुख ही नहीं होगा। जो गृहस्थी चलाता है उस गृहस्थ के दुख की स्थिति मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका भान रख कर ही मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम भगवान का नामस्मरण करो। मैंने प्रारंभ में कहा है वही अंत में कहता हूँ कि तुम कैसे भी हो लेकिन भगवान का नामस्मरण करना मत छोड़ो। आज का मुख्य विचार, तुम केवल नामस्मरण करो, शेष सब मैं करता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।